पिक्साबे और पिक्सल डॉट कॉम वेबसाइट से फुटेज और वीडियोज इमेजेस कैसे डाउनलोड करने हैं, इसके मैं कई वीडियोज बना चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि पिक्सल डॉट कॉम में अकाउंट बनाकर अपना फ़ोटो और वीडियो अपलोड करके आप लाइफ टाइम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए इस पेज पर आएंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर करेंगे, जीमेल आईडी इंटर करेंगे और एक पासवर्ड भी बनाएंगे। इसके बाद पासवर्ड को सेव नहीं करेंगे, सेव भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको टिप्स मिल जाती हैं कि आपको कैसी फुटेज और वीडियोज अपलोड करना है। ये आपका वर्क वर्ल्ड वाइड शो होगा। यहाँ पर अपलोड फोटोज पर आप फोटोज अपलोड करेंगे। अपनी सक्सेस को मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्लियर फोटोज, हाई रेजोल्यूशन कंटेंट अपलोड करेंगे, नो वाटरमार्क और नो ग्राफिक इमेजेस। इसके बाद ब्राउज कर सकते हैं आप या ड्रैग और ड्रॉप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिश हो जाएगी या अपलोड लेटर पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही अपलोड लेटर पर क्लिक करूँगा तो पहले मैं अपना अकाउंट सेटअप कंप्लीट करूँगा। यहाँ पर मेरा नाम शो हो जाता है, चूज प्रोफाइल, मैं एक प्रोफाइल ऐसे ही लगा देता हूँ। आपकी प्रोफाइल अपडेट हो गई है, आप इसे चाहे तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। टेल पीपल अबाउट यू पर क्लिक करके आप अपने बारे में कुछ बायो लिख सकते हैं, जैसे आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं या ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, कुछ भी। इसके बाद आपकी डिटेल्स नीचे शो होती हैं। पेपल अकाउंट डोनेशन लेने के लिए आप ऐड कर सकते हैं, शार्ट बायो ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूजर नेम, ट्विटर यूजर नेम, अपनी लोकेशन, आप किस कंट्री से किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी आप शो कर सकते हैं। पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही सब डिटेल्स आप फिलअप करेंगे उसके बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स सारी अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद आपको कंटिन्यू फोटोज और वीडियोज अपलोड करते रहना है और आपकी अर्निंग होती रहेगी। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।